नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एवी बॉक्स ऑफिस में एक बार फिर से। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि सूर्यवंशी फिल्म के अंदर आने वाले कुछ एक्टर्स ने ली है इस फिल्म के अंदर काम करने के लिए कितने करोड़ की फीस। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बॉलीवुड और साउथ की बेहतरीन और दमदार अपडेट पाने के लिए आपके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारी न्यूज की तरफ, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों अगर हम बात करें 2020 में आने वाली मच वांटेड फिल्म सूर्यवंशी के बारे में, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं रोहित शेट्टी। वहीं पर इस फिल्म का बजट भी हाल ही में अनाउंसमेंट कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, इस फिल्म को लगभग 145 करोड़ के बजट में बनाया जा रहा है और इस फिल्म को हम सबके बीच में 27 मार्च 2020 में रिलीज कर दिया जाएगा, यानी कि साल के तीसरे महीने में। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें तो फिल्म का स्टंट काफी बेहतरीन बना हुआ है और क्यों ना हो, क्योंकि इस फिल्म के अंदर हमको काफी शानदार एक्टर काम करते हुए नजर आएंगे, जैसे कि रणवीर सिंह, वहीं पर अजय देवगन सर, अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ। और दोस्तों जब इन चारों की जोड़ी मिल बैठेगी तो फिल्म काफी जल्द 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर देगी। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें फिल्म के स्टार कास्ट की फीस के बारे में, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे कलाकार रणवीर सिंह को इस फिल्म के अंदर काम करने के लिए चार्ज करा है लगभग 15 करोड़ रुपए। वहीं पर हमारे सिंघम साहब, जिन्होंने इस फिल्म की शुरुआत करी थी, जी हाँ दोस्तों, उन्होंने इस फिल्म के अंदर काम करने के लिए चार्ज करा है लगभग 18 करोड़ रुपए। वहीं पर अगर हम बात करें बॉलीवुड के भरत कुमार, खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार सर की, तो इन्होंने इस फिल्म के अंदर काम करने के लिए चार्ज करा है लगभग 45 करोड़ रुपए। इसी के साथ में दोस्तों अगर हम बात करें इस फिल्म के एक्ट्रेस की यानी कि हीरोइन की, तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर कैटरीना कैफ मैडम ने काम करने के लिए चार्ज करा है लगभग 12 करोड़ रुपए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये थे हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की सूर्यवंशी फिल्म के चार सुपर डुपर एक्टर्स। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि जब यह फिल्म हम सबके बीच में 27 मार्च 2020 में रिलीज करी जाएगी तो क्या यह फिल्म 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर देगी या नहीं, हमें अपने ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही साथ में बॉलीवुड और साउथ की बेहतरीन और दमदार अपडेट पाने के लिए आपके रामा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।